जयपुर राजस्थान आबादी में पहुंचा एक तेंदुआ। बात आज सुबह की है जब एक तेंदुआ झलाना के जंगलों से मानव आबादी के बीच घुस गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। ऐसे माहौल में सरकारी एजेंसियां, राजस्थान वन विभाग, पुलिस विभाग और फायर ब्रिगेड सभी ने मुस्तैदी दिखाते हुए लेपर्ड का सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग की टीम लेपर्ड को लेकर जंगल की तरफ चली गई और वहां सुरक्षित रूप से लेपर्ड को छोड़ दिया गया। गौरतलब है इस पूरे घटनाक्रम को नेचर टाइम्स और वाइल्ड इंडिया न्यूज की टीम ने अपने कैमरे में फिल्माया और एक पूरी स्टोरी बनाई जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए। हमारे साथ में है जयपुर वन्य जीव चिड़ियाघर DCF श्री जगदीश गुप्ता। और जिस तरीके से अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जो लेपर्ड जो है झलाना लेपर्ड सफारी से जैसे ही मालवी इंडस्ट्रियल एरिया में गया, उसके बाद जैसे ही वन विभाग की टीम सक्रिय हुई, उसके बाद सर के नेतृत्व में जो काम हुआ उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सर, आज सुबह 9:15 के आसपास सूचना मिली थी कि 9:15 बीच में कि एक सब झलाना से लेपर्ड निकल के मालवी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर चला गया है। तो उसी दौरान सूचना मिलते ही मैंने रेंज अफसर को इन्फॉर्मेशन दी और हमारे स्टाफ की टीम को इन्फॉर्मेशन दे के वहाँ मौके पर पहुँचाई थी। टीम के साथ साथ मेरे जो रेस्क्यू टीम है, डॉक्टर की टीम रेस्क्यू ऑफिस से, वो उसको रवाना किया गया और सभी स्टाफ करीब 15-20 मिनट के अंदर पहुँच चुका था। पहुँचने के दौरान जो लेपर्ड्स के लोकेशन को ट्रांसलोकेट किया, कहाँ किस तरह से उसका मूवमेंट है, मूवमेंट के आधार पर उसको लास्ट में करीब 10:30 के आसपास एक बिल्डिंग में घुस गया, वो रेड कलर की। उस बिल्डिंग में घुसने के बाद उसको पूर्ण रूप से सुरक्षित रख समझ कर उसको बाद में करीब 1-1.5 घंटे में उसको पूछा कर करीब 11:30 बजे के आसपास उसको रेस्क्यू कर सफलतापूर्वक रेस्क्यू। मैं किसी में फर्क नहीं करता, ना रागी में, ना बैरागी में, ना अम्मा में, ना अम्मी में, ना खबर बनाने वाले में, ना खबर बनने वाले में, ना कर्म में, ना करामात में, ना पूरब में, ना पश्चिम में, ना उत्तर में, ना दक्षिण में, ना इंसान में, ना बेजुबान में, ना सेवा में, ना भगवान में। मैं पानी हूं, मैं किसी में फर्क नहीं करता। इसीलिए एस्ट्रल पाइप्स, जो 25 सालों से समर्पित है साफ पानी पहुंचाने के लिए बिना कोई फर्क किए, भारत का भरोसेमंद पाइप एस्ट्रल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज और मैं हूं सुमित जुनेजा। आज तड़के की बात है कि झलाना लेपर्ड सफारी में से फिर एक लेपर्ड जो है बाहर निकल के मालवी इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में घुस गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हमारे पीछे जो विमल उद्योग जो है, विमल उद्योग के अंदर इस टाइम पे लेपर्ड है और साथ ही साथ ये फायर ब्रिगेड जो यहां खड़ी हुई है, यहां के एक कर्मचारी पृथ्वी मीणा ने इस चीज़ की जानकारी जो है सर्वप्रथम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो सहायक वनपाल झलाना में जो हैं किशन मीणा, उनको दी, जिससे इनको सूचना लगी। और सूचना पर जो अभी आप मौके पे देख सकते हैं मेरे साथ साथ, यहाँ पर मेरे पीछे जो है ये फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारी हैं जो यहाँ पर मौके पे पूरी तरह अब मुस्तैद हैं। अफरा तफरी में जो है यहाँ पर लेपर्ड ने एक व्यक्ति के ऊपर एक चार्ज किया जो कि घायल हो गया, उसको अभी फिलहाल हॉस्पिटल ले जाया गया है। हम स्टेशन में सामने तैनात खड़े हुए थे तो यहाँ से आवाज़ आई कि रैपिड घुसा है, रैपिड घुसा है इसमें। तो हमारे कर्मचारी सारे तुरंत लेके गाड़ी को यहाँ पे आए। इसके बाद में इसमें अंदर चल सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे फायर ब्रिगेड जो है यहीं पे नज़दीक में, और ये हमारे साथ में जो है मुकेश कुमार जी शर्मा जो फायर ब्रिगेड से, इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से विमल उद्योग के अंदर जो एक कर्मचारी था, जैसे ही लेपर्ड की उसको झलक दिखी, लेपर्ड ने एकदम से उसके ऊपर हमला किया और जो लेपर्ड के हमला करने के बाद में तुरंत जो है मौके पर पास में ही फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वहाँ मुस्तैद थे, जो उसको जो है हॉस्पिटल तक ले गए हैं, उसका इलाज चल रहा है। आए हम यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पर जो है ये यहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे पीछे जो है यहाँ के DFO हैं, इनको भी जो और देख सकते हैं, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट का जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर
आ चुका है। जल्द ही लेपर्ड को जो है यहाँ पर बहुत ही जल्द जो है उसको जो है रेस्क्यू कर लिया जाएगा। किशन, कैसे यहाँ पर ये आपको सूचना मिली और अभी जो जो व्यक्ति को घायल भी किया है, कैसे लेपर्ड यहाँ आ गया, उसके लिए अब क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये अभी थोड़े आधा घंटा पहले की बात है, फायर ब्रिगेड वालों ने मेरे को सूचना दी, तुरंत आके से तुरंत 5 मिनट में मैं यहाँ मौके पे पहुँच गया। भीड़ जो है उस दीवार की तरफ गई है, शायद लेपर्ड इस जो है दीवार के पीछे किसी को दिखा है। अभी हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से लेपर्ड दिखे। आप देखें किस कैसे कैसे वहाँ पे जो भीड़ जो है जा रही, इस तरीके से जो लेपर्ड्स जो हैं जो अभी देखा जाए तो ये जो जंगल है झालाना का, ये अर्बन फॉरेस्ट है। यहाँ के जो अर्बन लेपर्ड्स हैं आए दिन जो है वो जंगल से बाहर निकल जाते हैं। ये कोई नई बड़ी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कि ऐसा पहले भी ना हुआ हो। इस तरीके से जो लेपर्ड्स हैं वो आए दिन जो है वो बाहर निकलते हैं, उसका वन विभाग के द्वारा, साथ ही आप देख सकते हैं सरकारी एजेंसी जो और भी हैं ये सभी मिलजुल के उसका रेस्क्यू कर, वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए, उसको यहाँ से ले जाने के लिए जिससे राहत मिल सके, तो वो कोशिश में लगे हुए हैं। विभाग प्रयास किए जाएंगे, थोड़ा सा बताएं। फर्स्ट टाइम तो रेस्क्यू लेपर्ड, तो इनका कहना है कि सबसे पहले ये लेपर्ड को रेस्क्यू करेंगे। लेपर्ड जो हैं झालाना के जंगलों से बाहर आबादी में आकर इस तरीके से क्यों और कैसे आते हैं, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी तरीके से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक देखा जाए तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसा कि आज यहाँ घटना घटी गई। हमारे साथ में विमल उद्योग के ऑनर हैं। सर, थोड़ा बताएं किस तरीके से, कब कैसे आपको पता चला? मैं पता नहीं कब घुसा ये अंदर। हमारे तो सुबह 9 बजे जब आदमी ड्यूटी के ऊपर आए और अंदर से माल निकालने लगे तो एकदम से उसके ऊपर हमला कर दिया। एक आदमी जख्मी हो गया है, काफ़ी जख्मी हो गया है, यहाँ से उसका सिर फाड़ दिया है, उसको अपेक्स हॉस्पिटल में लेके गए हैं। अभी लेपर्ड जो है उस फैक्ट्री से कूद के यहाँ बिरला इंस्टीट्यूट है, बिरला टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, बिट्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आ चुका है, वहाँ के प्रांगण में। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी सभी लोग मुस्तैदी से जो है उस लेपर्ड को रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं, और कोशिश की जा रही है कि जल्द ही लेपर्ड को रेस्क्यू करके यहाँ से वापस झालाना के जंगलों में ले जाया जाएगा, जिससे लोकल तौर पे जो है राहत मिल सके। अभी हम यहाँ पर उपस्थित जो है यहाँ के जो रेंज अधिकारी हैं सुरेंद्र शर्मा, इनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से लेपर्ड यहाँ कैसे जंगलों से बाहर, जो है अर्बन एरिया के जो लेपर्ड्स हैं वो जो इनको कहा जा सकता है कि वो भी अर्बन लेपर्ड्स हैं, वो किस तरीके से झालाना जैसी जो जगह, जो एक अपने आप में यूनिक जगह है, जयपुर शहर के बीच में है, वहाँ से आए दिन लेपर्ड जो है शहरों में आ जाते हैं, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे जंगल में प्रयास किए जा रहे हैं, और किस तरीके से भी ये रेस्क्यू प्रोग्राम को जो है किया, सब बताएं चैनल के माध्यम से। अभी थोड़ी देर पहले झालाना लेपर्ड रिजर्व एरिया से एक पैंथर बाहर निकल गए और जो मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र है उसके एक फैक्ट्री एरिया में घुस गया। वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे तो उनके सामने की तरफ उन्होंने हमला करने का वो किया। अब जब उन्होंने हल्ला मचाया तो वो पैंथर वहाँ से निकल करके और ये बिड़ला जो इंस्टीट्यूट है या मालवीय नगर उसके कैंपस में घुस गया। हम मौके पर मौजूद हैं और सामने थोड़ी दूर पर पैंथर छुपा हुआ है और रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी। जो भी रेस्क्यू टीम आएगी इसको रेस्क्यू करके ट्रैंकुलाइज करके इस लेपर्ड को और निर्धारित स्थान वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं, मेरे डी एफ साहब, मेरा पूरा अधीनस्थ स्टाफ सब मौजूद है। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट के और अन्य विभागों के जो कर्मचारी अधिकारी वो भी मौजूद है और पूरा कवर कर रखा हमने। लेपर्ड को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है और बहुत जल्दी इसको रेस्क्यू करके और यहाँ से ले जाया जाएगा। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं। जैसा कि सुरेंद्र शर्मा जी जो रेंज अधिकारी, प्रादेशिक रेंज झालाना के जो रेंज अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ ही थोड़ी ही देर में जो है ट्रैंकुलाइज करने वाली जो रेस्क्यू टीम जो है वो आने वाली है और समय पे जो है इसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, राहत पहुँचा दी जाएगी और जो लेपर्ड को जो है यहाँ से समय पर जो है, अगर कोशिश की जाएगी कि समय रहते जो है उसको ट्रैंकुलाइज करके झालाना के जंगलों में रिलीज कर दिया जाए। लेपर्ड कई फैक्ट्रियों में से कूदता हुआ, बिट्स में से कूदता हुआ अभी देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये जो मकान जो दिख रहा है वहाँ पर अभी जा चुका है और यहाँ रेस्क्यू टीम आ चुकी है। यहाँ हमारे साथ में डॉक्टर अशोक तंवर जो है वो मौके पे पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैंकुलाइज गन को उन्होंने ले रखा है और इसी गन के द्वारा ही उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाएगी। आइए डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से रहेगा। डॉक्टर साहब, चैनल के माध्यम से बताएं कि कैसे ये रेस्क्यू प्रोग्राम के लिए क्या अंदर है, उसको अंदर इस घर के अंदर घुसा हुआ है,
घर के अंदर उस कोशिश हमारी ये है कि एक कन्फाइंड एरिया के अंदर उसको बंद कर लिया जाए, फिर आसानी से रेस्क्यू करा जाए जिससे भागा ना जाए, हमारी कोशिश ये है। यह कि वन विभाग की जो ट्रैंकुलाइज जो रेस्क्यू टीम जो है इन्होंने जो है जहाँ तक है लेपर्ड को जो है वो रेस्क्यू सुरक्षित तरीके से कर लिया है और अभी ये यहाँ से थोड़ी सी ही देर में जो है यहाँ से जो है लेपर्ड को रेस्क्यू कर जो रेस्क्यू वाहन के जरिए फॉरेस्ट तक वापस से जो है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। जैसा कि पीछे अभी जो लेपर्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है वो मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी और रेस्क्यू टीम जो है उसको रेस्क्यू करने में लगी हुई है। और यहाँ अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार पता चला है कि जालाना लेपर्ड सफारी के अंदर में जो कार्यरत एक निजी जो ड्राइवर है उसके ऊपर भी जो है लेपर्ड ने जो है चार्ज किया, हमला किया, जिसको कि हॉस्पिटल में ले जाया गया है। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो रेगुलर जंगल से जो लेपर्ड्स जो हैं वो रेगुलर बाहर आते रहे हैं, अर्बन लेपर्ड्स जो हैं अर्बन फॉरेस्ट की एक आम समस्या है। वन विभाग की टीम ने जो है यहाँ पर वन विभाग पुलिस और कई एजेंसीज ने जो है अपनी जो है जिसको कहते हैं कि बहुत ही मशक्कत के बाद में लेपर्ड को रेस्क्यू कर यहाँ पे वन विभाग की तरफ से उसको जो है रिलीज करने के लिए जंगलात की तरफ ले जाया गया है।